नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं इस वक्त तारीख खबर का, जो कि आगरा से हमारे पास आ रही है, जहां पुलिस की वर्दी में सिपाही नाबालिग बना खाकी के साए में नाबालिग, पुलिस के साथ चेकिंग पॉइंट पर लगा हुआ था। बाल श्रम को ठेंगा दिखा रहा पुलिस विभाग। कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद नाबालिग से बाल श्रम करा रही है। नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शमशाबाद के गांधी चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की वर्दी में सिपाही बना हुआ ये नाबालिग दिखाई देगा, जो खाकी में है लेकिन उसकी उम्र कम है। हमारे देश में बाल श्रम गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। किसी भी छोटे बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, श्रम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते, लेकिन आगरा उत्तर प्रदेश में वर्दी में सिपाही का काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है जो बच्चा, वो बालिग नहीं है। और उसका वीडियो निकलकर सामने आया क्योंकि चेकिंग पॉइंट पर इसकी तैनाती की गई थी। नाबालिग बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आ रहा है। और संवाददाता राजू फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजू, बाल श्रम हम सभी जानते हैं कि अपराध है, गुनाह है, उसके बाद अगर बाल श्रम पुलिस ही कराए, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून का पालन कराना, हर उस लॉ को फॉलो कराना जो हमारे देश में संविधान के तहत माना जाता है, लेकिन जब बच्चों से ही काम करवाने लगे, नाबालिग बच्चे से अगर काम करवाने लगे वो भी वर्दी पहना कर, तो कहां जाएगा देश और कहां जाएगी कानून व्यवस्था, सुधरेगी? परुल, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आगरा का जो नाम है वो देश और विदेशों में सातवें नंबर अजूबा में माना जाता है, वहाँ ताजमहल स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि, और बात करें नाबालिग बच्चों से काम कराने की, गरीब लोग होते हैं, अपने बच्चों से काम कराते हैं होटल वगैरह पे, उन पर लेकर बाल श्रम की अगर बात करें तो बाल श्रम के अधिकारी मौके पर पहुंच के बच्चों को पकड़ के बच्चा जेल में बंद कर देते हैं और परिजनों को उस पर सजा कर देते हैं। पर यहाँ पर देखा जाए, और जो पुलिस की अगर बात करें, जो पुलिस हमराही है, जो जिस तरीके से पुलिस बाल श्रम की बात करें, जिस तरीके का नाबालिग बच्चा है और उसको बच्चे को वर्दी पहनाकर पुलिस की और उससे चेकिंग कराई जा रही है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे देखे आगरा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, खबर को जब देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, वहां के SSP की बात करें, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाल श्रम के अधिकारियों की बात करें, दुकानों पर जाकर तो छापा मार देते हैं, पर खुलेआम चौराहे पे जिस तरीके से एक नाबालिग पुलिस की वर्दी को पहनकर और वो जिस तरीके से मोटरसाइकिलों को ला रहा है पकड़ पकड़ के और चेकिंग करा रही है पुलिस, और जो वर्दी की बात करें, जो कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही भक्षक बने हुए हैं। पारोल, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे कहीं की करें, पुलिस जिस तरीके से देखा जाए कानून का सबको पाठ पढ़ाती है, वहीं पर पुलिस खुद ही जिस तरीके से नाबालिग से काम करा रही है, ये गुनाह नहीं, बहुत बड़ा अभिशाप है। और सबसे बड़ा सवाल की अगर बात करें नाबालिग बच्चे की, अगर कहें तो उसको वर्दी आई तो आई कहाँ से, किसने वर्दी बनवाई, क्यों कराया जा रहा है नाबालिग से चेकिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस की बात करें, आगरा है जो शमशाबाद की अगर बात करें, वो एक तहसील है, उत्तर प्रदेश की जानी मानी तहसील है, और वहीं पर नाबालिग का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है, और ये एक मेन चौराहे की बात करें, गांधी चौराहे पर जिस तरीके से पारोल जो चेकिंग कराई जा रही है बच्चे को, और वो पुलिस के पास में जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं बार बार मोटरसाइकिल को पकड़ के ला रहा है, तो पारोल कहीं ना कहीं किया जाए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस की बात करें या पुलिस प्रशासन के अलावा अधिकारियों पर खुले घूम रही है कि योगी का इन पर हंटर नहीं चल पा रहा है। योगी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा बात है, और जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश को वो एकदम उत्तम प्रदेश अपराध मुक्त करना चाहते हैं, पर उनके ही अधिकारी और उनकी ही पुलिस जब योगी की लुटिया डुबाने में लगी हो, योगी आदित्यनाथ को अगर वो नीचा दिखाने में लगी हो, क्या करेंगे योगी इस पर कार्रवाई? अब ये तो देखना जब होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए, एक तो
कानून की बात करने वाले और जिस तरीके से छोटे से बच्चे पर जिस तरीके से वर्दी पहनाकर उनसे गाड़ियां पकड़वा रहे हैं और वो चेकिंग करा रहा है, ये बाल श्रम नहीं अफसाफ है। और इसमें जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जो करा रहे हैं उन पे भी योगी सरकार कार्रवाई करे, ये सबसे बड़ा संदेश जाएगा समाज में कि पुलिस के जिस तरीके से बच्चे से चेकिंग कराई जा रही थी उनको सजा मिली, तो ये संदेश अच्छा जाएगा। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है ये होगा कि योगी की सरकार बिल्कुल क्या कार्रवाई होती है। राजू बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक छोटा बच्चा यहाँ पुलिस की वर्दी में गाड़ियां पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और देखिए यार, छोटे छोटे बच्चों से ये देखिए, आप देख रहे हैं मास्क पहना हुआ है ग्रीन कलर का बच्चे ने, और उस बच्चे से काम करवाया जा रहा है। समझने वाला विषय ये देखिए, ये फिर से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मास्क पहना हुआ है चेहरे पर, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।